आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर लाल कुआं से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हरीश रावत ने लाल कुआं तहसील पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं प्रत्याशी संध्या डालाकोटी ने भी तहसील पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कराया। हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया था और टिकट मिलने के बाद मैं कालिका का आशीर्वाद लेके आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी के आवास में गई उनसे आशीर्वाद लेने, तो उनने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भी इसी राष्ट्रीय पार्टी से इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर तक का बन के गए। मैं आदरणीय बड़े भाई साहब अपने बोरा जी के पास भी गई, उनका भी आशीर्वाद लिया। मैंने जितने भी आवेदन करता थे सभी का आशीर्वाद लिया। मैं पूछना चाहती हूँ पार्टी से, हमारी प्रियंका गांधी जी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का, क्या वो दो ही दिन का नारा था? ऐसा क्या कारण रहा कि आज एक महिला को निर्दलीय आवेदन करना पड़ा? मैं एक लालकुआ की एक संध्या डालाकोटे नहीं, पूरी उत्तराखंड की महिला का अपमान हो रहा है, पूरे देश की महिला का अपमान हो रहा है। इसमें महिला बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम लोग माँ काली का रूप लेके, माँ लक्ष्मी का रूप लेके, माँ सरस्वती का रूप लेके हर बूथ में जाएंगे और लालकुआ विधानसभा में परचम लहरा के दिखाएंगे। उत्तराखंड को उत्तराखंड को हमने कई प्रकार के बोनस दिए और उसमें दुग्ध बोनस की जननी ये लालकुआ का दुग्ध संगी था। और पहले 4 रुपया दिया जिसको भाजपा ने कभी बंद किया कभी चलाया और अब आएंगे। वही धनोरा के वाया तेलीवाला सड़क पर काफी दिनों से गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत करने और लिखित पत्र देने के बाद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह रोड मुख्यालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार जोड़ने वाली है, लेकिन कोई भी नेता आला अधिकारी या शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वही ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो वो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। प्रबंधन को अवगत करा गया है और ये कई माह से चल रही है प्रॉब्लम यहाँ से, और ये जब से बरसात हुई ना काफ़ी, तो ये हमारे खेत में जो है पानी की ज़रूरत नहीं रही, भरपूर पानी है बारिश बरसात का ही। और ये जो सड़क को PWD से जो कई वर्षों से प्रयास से सड़क बनी थी ये अब जो है बिल्कुल टूटने के कगार पर थी, इसलिए दूसरे गाँव का पानी की निकासी कभी पहले इधर नहीं आया, ये अभी से 2-3 माह से परेशानी हो रही है। इस करके ये अवगत करा सरकार को भी अधिकारियों को, और जो है इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे घरों में और पानी घुसा जा रहा है इसमें पूरा धनोरा में, और हमारे गांव में 1 इंच पानी की खपत नहीं है। हमारे गांव का तालाब भी जो है पूरी तरीके से लबालब हो रखा है, बिल्कुल जर्जर हो रखी है पानी की। आपने किसे किसे अवगत करा गया? यहाँ के दिल्ली वाले के जो प्रधान थे उनके पास भी गए थे, डीएम के पास, उन्होंने भी कहा कि हमारे बस का कुछ नहीं है, और डीएम ने कहा कि वो आचार संहिता तो लग रही है। हाँ सर, एप्लीकेशन तो हमने दे दी, यहाँ कोई नहीं है। दिन हमें भी सूचना दी, घर में घुस रहा है और हम रात को यहाँ पह रहे थे इसके पानी के, बताओ बच्चे भी जहाँ बच्चे कहाँ। वही लक्सर में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अब कानून का कोई भी डर नहीं रह गया है। रोक के बावजूद भी पूर्व विधायक रहे बसपा प्रत्याशी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के उम्मीदवार ने समर्थकों की भीड़ के साथ बिना अनुमति के रैली निकाली। सोशल मीडिया से मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस बार कोरोना के असर को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। बसपा से विधायक रहे तस्लीम अहमद इस बार आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। अगली खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर विधानसभा के पट्टी कंजुड़ी में बेरिनी गांव में घात लगाए बैठे गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला देविकी पर अपना हमला कर दिया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर नेपाली मजदूर बाहर निकले तो घर से 10 मीटर की दूरी पर गुलदार दिखाई दिया है, जो बुजुर्ग महिला को अपना निवाला बना रहा था। नेपाली मजदूरों के शोर मचाने पर घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि विभाग
जानवरों की सुरक्षा के बजाय जनमानस की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अगर मानव होगा तो जल भी रहेगा, जंगल भी रहेगा, जीव भी रहेगा। अगर मानव की आप सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा धोखा कुछ और हो नहीं सकता। और हमारी सरकार जंगलात विभाग से करवद निवेदन है कि गाँव की सुरक्षा के लिए यथाशीघ्र जो आदमखोर गुलदार हो गया है उसको शूट किया जाए। अगर उसको शूट नहीं किया जाता है तो जनता इसका उग्र प्रदर्शन करेगी सबको लेकर के। और हमें आशा है कि हमारी मांग सरकार सुनेगी, प्रशासन सुनेगा। रात आज ये सूचना मिली कि ग्राम बेड़नी में एक महिला को गुलदार द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है, और जिसके बाद मौके पर तुरंत हमारी टीम पहुंच गई थी और स्वयं मैं भी अपने पूरे दल बल को लेकर यहाँ पर आया। और अभी वर्तमान में हम गांव में गश्त कर रहे हैं। महिला की जो बॉडी है उसको पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और गांव वालों की सुरक्षा के लिए जो भी वन विभाग कदम उठा सकता है वो जरूर उठाएगा, और जो भी गांव वालों की मांग है पिंजरा और शूटर का उसके लिए हमने उच्च अधिकारी को बता दिया है। और आशा है कि शीघ्र ही इन सभी पॉजिटिवली जो भी वन विभाग अपने दायरे में। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। श्रीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने नामांकन पर्चा भरा है। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी। साथ ही उन्होंने अमित शाह के रुद्रप्रयाग जिले के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह कहां थे जब पहाड़ के नौजवान पैदल अपने गाँव घर के लिए निकले हुए थे, और वो सब मिलकर काम करेंगे। चौबट्टा खाल में भी हमारे सभी लोग काम करेंगे और लैंसडाउन में भी हमारे साथ। अमित शाह जी का आदमी रुद्रप्रयाग में दौरा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम मरहम लगाने की आवश्यकता थी कोविड में, हमारे बच्चे बेरोजगार होकर पैदल बाहर से और घर तक आए, उस समय अमित शाह जी उनके लिए कुछ व्यवस्था करते तो अच्छी बात है। आज वोट मांगने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं या कोई दूसरे जी आ रहे हैं, तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं का कोई सरोकार नहीं है। वो जानते हैं कि इन्होंने समय पर हमें सहारा नहीं दिया, हमें ठगा, और वो भी समय पर माकूल जवाब नहीं। गोदियाल जी, कोविड का जैसे आपने बताया अभी धन सिंह रावत जी ने यहाँ पे नॉमिनेशन किया, यही बात उन्होंने भी बोली कि लोग ढूंढ रहे थे कांग्रेसियों को टॉर्च ले लेकर के कि कांग्रेसी आए नहीं क्षेत्र में, अभी वही आरोप उन पे लगा। मंत्री धन सिंह रावत जी स्वयं कहाँ थे वो ये बताएं, जहाँ तक अगर उनका इशारा मेरी तरफ हो तो मैं तो हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र में था, पूरे अनवरत 4-5 महीने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहा। देखिए कांग्रेस ने क्या कहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया और रुड़की के झबरेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस हाईकमान ने वीरेंद्र ज्योति को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेसी प्रत्याशी वीरेंद्र ज्योति ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस की एक ऐसी ही पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम करती है। वही भाजपा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी के पास कोई भी प्रत्याशी नहीं है। क्षेत्रवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका स्नेह, उनका प्यार हमारे साथ रहा कि हम इस जिम्मेदारी के लायक क्षेत्र की जनता ने हमें किया। और देखिए झबरेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब डबल इंजन सरकार कहा जाता था, लोगों ने कहीं ना कहीं पहले ये जनादेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ विकास कार्य होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, ये जो डबल इंजन है ना, ये एक दूसरे को धकेल नहीं रहे, आगे नहीं दिखा, एक दूसरे को दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं और अब ये इंजन बैठ गए हैं, अब इनके जो इंजन हैं वो बैठ गए हैं और इंजन। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता और धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के लिए सहायक निर्वाचन एसडीएम डीडीहा अनुराग आर्य ने बताया कि लगातार धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और क्षेत्र में एसटीएफ, एसटीटी और पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में कार्रवाई की वारदात को अंजाम दे रही है। वहीं पर राजनीतिक दलों से कोविड-19 के नियमों और आदर्श आचार संहिता पालन कराने की अपील भी हो रही है। 2022 को आदर्श आचार संहिता लागू हुई, इलेक्शन की जैसे एक घोषणा की गई थी,
तो उसके बाद से हमारे यहाँ सारी टीमें लग गई हैं, SST लग गई हैं, FST लग गई हैं, वीडियो सर्वेलांस टीम लगी हुई हैं, सभी जगह टीमें लगी हुई हैं। और ये लोगों को जो धारा 144 का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं या किसी भी तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो हमने प्रयास किए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके चालान किए जा रहे हैं और धारा 144 का भी हम लोग। वहीं रुड़की में झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजपाल सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजपाल सिंह को भाजपा हाईकमान ने टिकट दिया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि सर्व समाज का समर्थन मेरे साथ है, सभी समाज के समर्थन जिस तरह से मेरे साथ है, तो मैं झबरेड़ा विधानसभा की सीट से जीतकर भाजपा की झोली में जीत डालने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी विधानसभा झबरेड़ा को जीतने का काम किया और अब की बार भी 2022 में विधानसभा झबरेड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगी। और मुझे झबरेड़ा की जनता पर विश्वास है क्योंकि मैंने भी लगातार 12 साल उन लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं उनके सुख दुख में रहा हूँ, उनके दर्द को मैंने समझा है और जितने भी उनकी समस्याओं का। अगली खबर रुड़की से है जहां पर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी तनवीर अहमद कुरैशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं रुड़की विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा, कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा ने पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से तनवीर अहमद कुरैशी को विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है, जहाँ बसपा का अपना एक वोट बैंक माना जाता है। हमारे बहुजन समाज पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे बहुजन समाज का। बहन मायावती जी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया, उनका जितना मैं आभार व्यक्त कर दूँ उतना कम है। रही समीकरण की बात, रुड़की विधानसभा में लगभग 36,000 मुसलमान हैं और लगभग 14,000 SC वोट है, तो 50,000 वोट का समीकरण तो एक तरफा दिख रहा हमारा चुनाव। दूसरा, जितने पुराने हमारे विधायक रहे हुए दोनों पार्टियों के, उन लोगों ने कभी विकास नहीं किया रुड़की में, इसलिए अब के समाज की एक मांग थी कि बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाया जाए। वही लालकुआ के 56 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ में रेलवे स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने लालकुआ नगर के मुख्य बाजार में लोगों से जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की है। इस दौरान जगह जगह पर फूलमालाओं से हरीश रावत का स्वागत किया गया, साथ ही कई जगहों पर हरीश रावत पर व्यापारियों ने फूल बरसाते हुए उनका स्वागत किया। वहीं हरीश रावत ने कहा कि लोगों की जन भावनाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संसद सदस्य के रूप में एक तरफ पिथौरागढ़ का सांसद था और दूसरी तरफ दिल्ली में उनकी नुमाइंदगी करता था, उत्तराखंड के सवालों को भी उठाता था, तब जो है उनकी सेवा कर सका हूँ। लालकुआ तो बड़ी सुविधाजनक क्षेत्र है, यहाँ से जो ये सवाल कर रहे हैं कहाँ ढूंढेंगे हरीश रावत को, किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी तरफ से लिख दीजिएगा। हरीश रावत ने कहा कि मैं अपने आप ढूंढते आप लोगों को आ जाऊँगा। वही हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि हम उन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन पत्र भरा है वो वापस ले ले, क्योंकि भाजपा एक संगठित पार्टी है और सबका ध्यान रखती है, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर उन लोगों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो सभी लोगों के खिलाफ भाजपा कड़ी कार्यवाही करेगी। वही विजय बहुगुणा ने यह भी बताया कि भाजपा की सीट पक्की है। बात करने आए हैं उत्तराखंड में लहर है जो कि मोदी जी के देहरादून के भाषण से और हल्द्वानी के भाषण से बनी है। जनता का विश्वास बढ़ गया है और मोदी जी की लोकप्रियता है और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो इस यहाँ पे निश्चित रूप से विजय होगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैंने आज आग्रह किया है, अनुरोध किया है, अपील करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता साथी हमारे जिनको टिकट नहीं मिल पाया आज वो निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि प्रदेश के हित में पार्टी हित में आप अपना नामांकन वापस ले लें। और कल्याण विधानसभा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, सैनी समाज के लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। सैनी समाज के लोगों ने विधायक फुरकान अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इसी बीच लोगों ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। वहीं कल्याण विधायक फुरकान अहमद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उनके कार्यकाल में कल्याण विधानसभा में एक समान रूप से सभी वर्गों का समुचित विकास कार्य किए गए हैं। समाज ने हमें आश्वासन दिया कि
हमने आपको का पहले भी दो बार सहयोग किया, इस बार हम उससे भी ज़्यादा सहयोग करेंगे। मुझे उम्मीद भी है कि यहाँ से मुझे पहले से ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि जब 2012 में इस विधानसभा से मैं जीत कर गया, सबसे पहले काम जो हमारे यहाँ मुरत घाट का रोड था, सबसे पहले मैंने उसको उद्घाटन किया था, और उसके बाद गांव में भी काम किया, मंदिर में भी काम किया, क्योंकि जिस तरह मुझे हर जात बिरादरी ने जात बिरादरी से ऊपर उठकर मेरा सहयोग दो बार किया, उसी तरह मैंने। वहीं बाजपुर में 64 बाजपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्या को हर वर्ग का साथ मिल रहा है। प्रत्येक वर्ग के मतदाताओं की ओर से यशपाल आर्या को समर्थन मिल रहा है। यशपाल आर्या के सिर बंधना लगभग तय हो चुका है। चारों ओर यशपाल आर्या के ऐतिहासिक जीत की चर्चाएं जोरों पर है। वही यशपाल आर्या का कहना है कि उन्होंने बाजपुर वासियों की निस्वार्थ सेवा करते हुए बाजपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। देखिए, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है, एक बड़ी जीत यशपाल आर्य की यहाँ से होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो माहौल है, जिस तरह से जनता का प्यार, जिस तरह से स्नेह, जिस तरह से आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग यशपाल आर्य को लगातार दिख रहा है, बन रहा, मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मन बनाया है बाजपुर की जनता ने विकास को लेकर, समग्र विकास को लेकर, अपने सहयोग पर विश्वास करते हुए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पुनः। पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत आज समस्त विधानसभा के नामांकन कक्षों में संबंधित आरओ की ओर से नामांकन पत्रों की भली भांति जांच की गई, जिसमें 5 विधानसभाओं से 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए। श्रीनगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी वीरेंद्र कुमार के प्रस्तावक पूरे न होने से निरस्त किया गया है। इसके अलावा चौबट्टा खाल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रामेन्द्र सिंह भंडारी की ओर से पत्रक में खर्च का विवरण अधूरा पाया गया। पौड़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश कुमार की ओर से ज्योति प्रमाण पत्र व प्रस्तावक पूरे न होने से नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। वहीं लैंसडाउन विधानसभा से एक भी प्रत्याशी का नाम निरस्त नहीं हुआ। निर्वाचन का प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात 28 तारीख तक जो नामांकन पत्र पूर्ण रूप से दाखिल किया गया, उन सभी नामांकन पत्रों की जाँच का कार्यक्रम जो है आज निर्वाचन आयोग ने किया गया। समीक्षा के दौरान जितने भी नामांकन पत्र अपूर्ण पाए गए थे या फिर जिनमें कुछ कमियां पाई गई, उनको संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त किया गया। सभी जो अभ्यर्थी थे प्रत्याशी के सामने या फिर उनके एजेंट के सामने उसको। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।